मिशन, यानी 100% रोजगार की व्यवस्था करनी है, वो फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो। वो यहाँ जितने भी सदस्य हैं वहां में, हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए सक्षमीकरण, वो जो भी फसल उगा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा इनकम देने की व्यवस्था हमें करनी है। तो उसके लिए जो बिजनेस करना पड़े, जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी करनी है वो हमें इधर करनी है। इसके साथ साथ हमारी महिलाएं जो इस हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में है उनके सक्षमीकरण के लिए हमें काम करना है। जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम करेंगे उसके मैन्युफैक्चरिंग में हमें महिलाओं को शामिल करना है, उनका आत्मसम्मान बढ़ाना है। और इसीलिए हम इस एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जल्द से जल्द बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज फंडिंग के साथ करेंगे। अभी कई सारे तहसील में हम एमकोल और एमसीएनजी का काम करने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त भी लगता है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हो। और दूसरी बात की हो सकता है कि इस एक यूनिट के साथ सिर्फ थोड़े से लोगों को इसका बेनिफिट हो, लेकिन जब बारी आती कि पूरे 10,000 से 15,000 लोगों के लिए, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो एमएसपी सेक्टर है, हमारे ऑर्गेनिक फूड है, कैसे हम इसके लेवल से, इसके माध्यम से कैसे इन चीजों को तैयार करें, कौन किस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करें और जल्द से जल्द इन सबके लिए एक अच्छे रोजगार, एक अच्छे इनकम का निर्माण करें। कई सारे ऐसे एमएसपी प्रोडक्ट हो सकते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हमारे पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे। वहां के किसान हमारे क्या रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, वहां कौन सी चीज हम तैयार कर सकते हैं, कौन सी स्किल लोगों के पास है वो देख के हम करेंगे। हो सकता है कई सारे एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे दूध है। अब ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है कि जो जल्द हर दिन हम तैयार कर सकते हैं और हर दिन वो कंज्यूम हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करेंगे, शुरुआत करेंगे, उस एक्टिविटीज के ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। और इस फंडिंग के साथ साथ हमारे सभी जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एमपीओज है, उनके लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो जो काम हम अपने उद्योजकों के साथ मिलके उस क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के लिए या समाज के लिए करना चाहते हैं, वैसे ही ये भी हमारी एक कम्युनिटी है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक कम्युनिटी है जो एक उद्देश्य के साथ बनाई हुई है, और ये किसी भी दूसरे कम्युनिटी या संस्था के जैसे ही है। एक एनजीओ होती है जो बनती है लोगों के साथ, और उसका एक लक्ष्य कुछ होता है, कोई संस्था होती है। इनफैक्ट हमारे स्कूल कॉलेज ये भी एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है जिनका लक्ष्य होता है कि शिक्षा लेना। वैसे ही हमारी ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसका लक्ष्य है कि हमें अपने लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, कैसे, बिजनेस करके। तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है वो बनाई है इसलिए है कि हम इसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निर्माण करें, और इसके साथ हम अपने लोगों का, उस क्षेत्र का कल्याण करें। दोस्तों प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दो अलग अलग पद्धति है कि जिसके द्वारा हम बिजनेस किया जाता है और इतने सालों से हो रहा है। एक पद्धति है कोऑपरेटिव, सहकारिता, कि जिसमें भी बहुत सारे लोग एक होते हैं और वो एक बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करते हैं, और उसमें भी उनका संकल्प होता है कि उस बिजनेस के साथ साथ वो उन वहां के लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर करे। और दूसरी जो पद्धति है वो है कॉरपोरेट पद्धति, यानी कंपनी बना के बिजनेस करने की पद्धति। अभी उसमें कंपनी अलग अलग तरह की हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ऐसे अलग अलग तरह की कंपनी हो सकती है। अभी वैसे देखा जाए तो अपेक्षा यह है कि ये दोनों चीजें जो है, ये जो अलग अलग तरह बिजनेस करने के मॉडल्स हैं, ये बिजनेसेस करें, वहां के रिसोर्सेस को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करें, उनका ऑप्टिमम पोटेंशियल रीच करें, और उसके साथ साथ लोगों का, समाज का भला करें। लेकिन होता क्या है कि कॉरपोरेट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी, उनका एक ही लक्ष्य या फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, लेकिन वो समाज के बारे में, लोगों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। ऑफकोर्स इसके में अच्छे अच्छे एक्सेप्शन है जैसे टाटा, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो ज्यादा समाज के बारे में नहीं सोचते। वैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में भी अगर हमने देखा कि कई सारे, जैसे भारत स्वतंत्रता के बाद बहुत फोकस था इस कोऑपरेटिव तरह के बिजनेस करने के लिए, ताकि उसके वजह से ग्रामीण ग्रामीण विकास हो, खेती का विकास हो। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये अच्छा हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये देखा गया कि लोग अर्थ कारण से ज्यादा राजकारण या राजनीति में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, यानी बिजनेस कैसे बने, कैसे सस्टेनेबल वे में काम करें, इससे भी ज्यादा
कि हमारे राजनीति को इसका किस तरह से फायदा हो, इसके ऊपर लोग काम करें। तो इसी के लिए ये दोनों जो चीजें हैं इसमें कुछ अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, और इसीलिए इन दोनों के अच्छी अच्छी चीजें निकाल के संकल्पना आई हमारी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली बनी ही इसलिए है कि आप करें काम कंपनियों जैसा, लेकिन आपका फोकस हो आर्थिक के साथ सामाजिक विकास। और इसीलिए इसमें संकल्पना है कि आप सभी लोग इकट्ठा आए, आप सभी लोग एक हो जाए, आप सभी लोग सोचे कि हम मिलकर कौन सा बिजनेस हमारे क्षेत्र में हमारे लेवल पे कर सकते हैं, और जिससे हम अपने क्षेत्र का अपने लोगों का एक आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव, जिस एक ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्रोड्यूसर कंपनी सन 2002 में इसे बनाया गया था, इसकी रचना एक कोऑपरेटिव कंपनी जैसी है, लेकिन यहाँ कुछ तत्व ऐसे बनाए थे कि जिसके वजह से जो गलत चीजें थी, जो गलत चीजें शायद कोऑपरेटिव में चलती थी, उसको उन्होंने कंट्रोल करने की दोस्तों कोशिश की। सबसे पहले तो हर कोई जो मेंबर इसमें आएगा उसके लिए एक ही वोट होगा, भले ही आपके पास शेयर दोस्तों कितने हो लेकिन वोट एक ही होगा। और एक बार आपने ये बिजनेस करने के बाद, बिजनेस शुरुआत करने के बाद हर 3 महीने आपको एक बैठक बुलानी पड़ेगी ताकि ये देखे कि वो सब कुछ जो काम चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास हो, और उस बिजनेस के बाद फिर पैसे का आप कैसा उपयोग करते हैं लोगों के लिए वो अलग बात, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से बिजनेस करें, ये इस सिंगल ऑब्जेक्टिव से ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और दोस्तों इसका जो तरीका अगर आप देखोगे, यानी इसकी रचना, इस काम करने का तरीका और पूरा प्रोसीजर, वो प्रोसीजर भी उन्होंने ऐसे बनाया है कि आप एक बार बिजनेस शुरुआत करो तो बिजनेस सस्टेनेबल हो, वो बिजनेस चलता रहे, एक अच्छे आमदनी, एक अच्छे इनकम का निर्माण आप सभी के लिए हो। जैसे कोऑपरेटिव में आप देखोगे तो बहुत सारे जो कोऑपरेटिव चीजें हैं वो चलती नहीं, वो आगे सस्टेनेबल वे में बिजनेस ही करती नहीं। इन्होंने यह कहा है कि आप कौन सा बिजनेस करोगे, क्या काम करोगे, इसके ऊपर अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। आप भले तो टाइम लीजिए, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लीजिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि आप अपने क्षेत्र में कौन सा बिजनेस कर सकते हो, इसके लिए लगे तो आप 2 साल तक टाइम लीजिए, लोगों को जाके मिले, देखे अपने पास क्या रिसोर्सेस हैं। अगर आपको चाहिए तो एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स, इनकी आप सहायता लीजिए कि इन सबको, सब लोगों को मिलके हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं या जिसकी मार्केट में आज जरूरत है। हमारे लोगों के पास क्या स्किल्स है, क्या वो अच्छी तरह से कौन सी चीज कर सकते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट कर सकते हैं, कोई पशुपालन कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते हो तो कैसे उनको ट्रेन करें ताकि वो कर पाए और एक अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण हम करेंगे और उससे बिजनेस कर पाए। तो इसके लिए आप ज्यादा समय लीजिए, लेकिन एक बार आपने बिजनेस की शुरुआत की तो बिजनेस इस तरह कीजिए ताकि वो बिजनेस चलता रहे दोस्तों। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक बार आपने ये 2 साल के बाद भी लगे तो 1-1.5-2 साल लीजिए, लेकिन उसके बाद जब आप बिजनेस करोगे तो आपको करना है कॉर्पोरेट जैसे, जैसे वो करते हैं, टाइमली उसके हर महीने आपने कितना काम किया, कैसे काम किया, हर 3 महीने आप मिलिए, देखिए बिजनेस कैसे होता है और इसको फिर आगे बढ़ाइए दोस्तों। और इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कि वो बिजनेस के लिए कौन सा एक्शन प्लान हम बनाए। यानी जैसा हमने इंडिविजुअल लेवल पे भी डिस्कस किया कि हमारे जितने भी एमबीपी है उनके क्षेत्र में, उनके लेवल पे हमें बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करनी है, लेकिन उसके पहले क्या बिजनेस करना है उसका एक एक्शन प्लान हमें बनाना है। वैसे सेम उन्होंने कहा है कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है एक्शन प्लान, कि एक्चुअली कौन सी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, कौन सा बिजनेस एक्टिविटी हम कर सकते हैं जो लोग मिलके उसमें शामिल हो और जिसकी वजह से सभी लोगों का फायदा हो, जो लोग ही करें लोगों के लिए करें। तो इन सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक्शन प्लान, जिसके लिए आपको काम करना है। और दोस्तों एक बार आपने वो एक्शन प्लान बनाया, आपने सभी लोग मिलके आपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और आपने देखा कि इनके साथ हम एक बिजनेस ये शुरू कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। अभी क्या है कि हम सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बायोफ्यूल प्रोसेस तो करने ही वाले कंपल्स,
लेकिन इमीडिएट बेसिस पे कौन सा बिजनेस कर सकते हैं उसके ऊपर भी अभी काम करना है फंडिंग के साथ, और इमीडिएटली फंडिंग के बाद वो काम कर। अभी उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि हमें छोटे से लेवल पे बिजनेस की एक्टिविटी शुरुआत, और वो छोटी सी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो उसका इम्पोर्टेंट एक सक्सेसफुल बिजनेस डेमो तैयार करना वो बहुत जरूरी होता है। किसी भी स्टार्टअप के लिए या कोई भी कंपनी जब शुरुआत करती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एक छोटे से लेवल पे एक पहले सक्सेसफुल बिजनेस डेमो करके दिखाए। तो हमें हमारा भी पहला लक्ष्य ये होगा कि एक तो उस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस की शुरुआत करें, एमएसपी हो, वो ऑर्गेनिक फूड हो, बायोफ्यूल हो, और उसके माध्यम से एक अच्छा बिजनेस मॉडल हम तैयार करें जो रेगुलर रेवेन्यू का निर्माण करता हो। यानी हर दिन वहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे स्पेसिफिकेशन का तैयार हो रहा है, वो ग्राहकों को दिया जा रहा है, ग्राहक उससे संतुष्ट है, आपको पैसे दे रहे हैं, ऐसे हर दिन रेवेन्यू का निर्माण जब आप रेगुलरली कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक इमीडिएट स्केल पे, सॉरी इमीडिएट बेसिस पे कौन सा बिजनेस हम जल्दी कर सकते हैं जिसको हम प्रॉपरली सक्सेसफुली उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, उसके रेवेन्यू डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, ये बहुत जरूरी है हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। और एक बार हमने ये कर लिया तो उसके बाद सभी जो चीजें हैं, यानी सभी जो बाकी बिजनेस बढ़ाने के लिए चीजें आती है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आती है। इनफैक्ट आपने 6 महीने अगर रेगुलर रेवेन्यू किया तो कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन, बैंक आपको उस बिजनेस को बेहतर करने के लिए, बड़ा करने के लिए, दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज करके करने के लिए आपको फाइनेंस दे दे। जब हम ये काम करते हैं तो किसान भी, यानी रॉ मटेरियल की जहां तक बात है तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसानों को पता चलेगा कि हम जो भी माल तैयार कर रहे हैं यहाँ हम बेच सकते हैं, और ये उससे चीजें तैयार कर रही है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे शुगर फैक्ट्री होती है उसके आजू बाजू चीनी की, सॉरी शुगर केन की खेती होती है, वैसे ही कोई भी अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे अगर रॉ मटेरियल लेने की शुरुआत करें तो रॉ मटेरियल का भी सप्लाई बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर किसी को पिलेट्स दे रहे हैं, एमकोल दे रहे हैं, एक अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री चाहेगी कि वो अपनी फॉसिल फ्यूल को छोड़े और रेगुलर बेसिस पे हमारा ये काम लेंगे, तो मार्केट भी एक अच्छी तरह से इसमें सर्टन हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार हमने एक बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत, और बायोफ्यूल के साथ साथ कोई भी एमएसपी और कोई भी प्रोडक्ट उसमें हो जो एफएमसीजी हो, तो वो भी एक अच्छे स्केल पे हम लेके जा सकते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंट जरूरत है कि आप एक सिंगल स्मॉल लेवल पे पहले बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करें और उसको रेगुलर करें, और वही काम हम हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में इमीडिएट बेसिस पे अभी करना चाहते हैं। और इसी के साथ आने वाले दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन हमारे साथ अभी काम करेगा जिसका नाम है नाबार्ड। दोस्तों, हमारे देश में आज भी 60% से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत का विकास करना है, हमारी आर्थिक जो भारत की जो इकोनॉमी अगर बेहतर करनी है, तो आज भी उसका बैकबोन अगर कुछ है तो वो एग्रीकल्चर है। तो इसी को ही बेहतर करने के लिए स्वतंत्रता के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना दिया गया, और इसी को चलते आगे अभी बेहतर करने के लिए ये प्रोड्यूसर कंपनी करके संकल्पना या कायदा कानून सरकार ने लागू किया है। तो दोस्तों, हम एमसीएल फैमिली जब इतने अच्छे स्केल में, इतने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब अच्छा काम करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में होने वाला है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की जो भावना या संकल्प या उद्दिष्ट है इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, वो वही है, एग्रीकल्चर को और ग्रामीण विकास को बेहतर करना। और हमारी सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का ये काम बहुत अच्छी तरीके से करने वाली है। और नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो बनाई है इसलिए कि वो ऐसे सभी एक्टिविटीज के लिए अपने देश में जहां भी ऐसी एक्टिविटीज होती है ग्रामीण विकास के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो फाइनेंस कर। जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे देश की सर्वोच्च बैंक है, वो बैंकों की बैंक, सभी बैंकों को अगर कौन कर्जा देती है तो वो आरबीआई है। वैसे ही उतनी ही बड़ी, ऑफ कोर्स आरबीआई से कम, लेकिन उतनी बड़ी नेशनल स्केल में काम करने वाली है नाबार्ड। किसी भी बैंक को अगर एग्रीकल्चर में और ग्रामीण विकास में अगर किसी को पैसे देने हैं, तो बैंकों को अपने जो डिपॉजिट्स है उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, उसको पूरा 100% रिफाइनेंस करती है नाबार्ड।
यानी हम अगर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेके अगर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके बाद उसको बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो उसको जितने भी पैसे लगे, जितना भी फाइनेंस लगेगा, वो फाइनेंस 100% हमें मिल सकता है नाबार्ड से। और जब ये काम स्पेशली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो इट इज कंपल्सरी कि नाबार्ड उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। इनफैक्ट अंतरराष्ट्रीय संस्था भी अगर भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इसके लिए अगर हेल्प करना चाहती है, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहती है, वित्तीय सेवा देनी देना चाहती है, तो वो भी करती है नाबार्ड के थ्रू। तो ऐसे ही हमारे सभी जो एमपीओज हैं, सभी जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा हमारा पार्टनर आने वाले दिनों में बनने वाली है नाबार्ड। दोस्तों, हर बैंक के लिए ना एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है, अग्रक्रम क्षेत्र ऐसा कहते हैं। यानी बैंक के लिए ऊपर आरबीआई से निर्देश होता है कि आप जितना भी लोन दे, कम से कम 40% वो लोन होना चाहिए अग्रक्रम क्षेत्र या प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। यानी वो क्षेत्र है कि जो हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और उस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो एक खेती और ग्रामीण विकास, सबसे इंपॉर्टेंट खेती, उसके बाद ग्रामीण विकास, उसके बाद ऑफकोर्स एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब कुछ आता है। तो इन सभी चीजों में अगर आप देखोगे तो बैंक भी एक, वैसे देखा जाए तो बिजनेस इंस्टीट्यूशन है। बैंक भी चाहता है कि वो 100 रुपए जहां दे, 100 के 150 रुपए करे वो, ताकि सबके तो चीज चलती रहे। और ऐसी परिस्थिति में होता है क्या है कि कोऑपरेटिव में या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कौन ऐसी जिम्मेदारी ले इन चीजों की कि हम अगर आपको लेंड करें, पैसे दें, तो कौन एक कोई कॉरपोरेट या कोई संस्था इसकी जिम्मेदारी ले कि नहीं हम ये करके देंगे आपको, ऐसी नहीं होती। इसलिए एनपीए बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे सेक्टर्स में। लेकिन जब इनके साथ, जब एमसीएल परिवार में इतने सारे जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ जब हम बिजनेस करेंगे और एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, जैसे कि एमसीएल भी इनके साथ है, एमसीएल के तहत एक कॉर्पोरेट लेवल में भी काम किया जा रहा है और लोगों के लिए किया जा रहा है, और जिसके वजह से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों जो संकल्प है, दोनों जो उद्दिष्ट है, वो साध्य हो रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा रोल ये बैंक करने वाली है। उनको कंपल्शन है और उनके टारगेट्स पूरे नहीं होते क्योंकि उनके उनके लिए अच्छे कस्टमर्स नहीं मिलते। तो एक बड़ा, बहुत बड़ा अच्छा काम हम इन बैंकों के साथ भी करने वाले हैं। इनकी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो एमसीएल के थ्रू इन एमपीओ को जा सकती है। और दोस्तों, आज जिस चीज से हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि किसी भी स्टार्टअप में यार, या कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, यानी फेसबुक भी अगर आपने देखी तो फेसबुक ने भी पहले जो काम किया था वो यूनिवर्सिटी में किया था, बाद में उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो वैसे भी एक जो डेमो करना है, और जो डेमो हम कर सकते हैं, जो डेमो एमसेल की फैमिली करने वाली है, हमारे 553 ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ये 553 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है, और दूसरे तरफ आने वाली हमारी फंडिंग है। दोस्तों, हमारी फंडिंग की साइज बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हम इन 553 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बिजनेस की एक्टिविटीज की शुरुआत करें। तो जो जो डेमो जो हम तैयार करना चाहते हैं, जो जो एक मॉडल तैयार करना चाहते हैं, वो पूरे देश में बहुत बड़ा मॉडल होगा। पूरी दुनिया के लिए ऐसा मॉडल नहीं बना होगा जो हम करेंगे हमारे फंडिंग के साथ। और इस फंडिंग के साथ जब ये बिजनेसेस करेंगे तो एक बहुत बड़े अच्छे स्केल में काम करेंगे, और फिर इसको आगे बढ़ाए, फिर इसको आगे पोटेंशियल तक लेके जाएंगे। और इसलिए फिर आने वाली जो फंडिंग है वो बेहतर होगी। आने वाली फंडिंग विल बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, में हमेशा जो कहता हूँ, भले ही अभी फंडिंग आने में पेपर्स लग रहे हैं, इतनी स्केल, ये सब बहुत सारी चीजें उसमें होती है, इसलिए वो जो अपेक्षा होती है कि स्टार्टिंग में आपको इतने पैसे मिले चाहिए, उससे ज्यादा पैसे हम ले रहे हैं, तो इसलिए जो कुछ हो रहा है तो ठीक है। लेकिन एक बार ये शुरुआत हो गई तो ये फंडिंग की कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, क्योंकि ये सभी पैसे, ये सभी फंडिंग आपके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए है, ये लोगों के बेहतर बनाने के लिए, हमारे किसानों के लिए, और हम जेन्युइनली ये काम करने वाले। तो जब इस फंडिंग के साथ ये सब प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे अच्छे बिजनेसेस करेंगे हम, और ये हम दुनिया को दिखाएंगे, तो ये फंडिंग विल बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और दोस्तों, आज पूरी दुनिया का जो लक्ष्य है ना, वो है सस्टेनेबिलिटी। यूनाइटेड नेशंस का पूरी दुनिया के लिए जो लक्ष्य उन्होंने पूरी हर एक देश के लिए रखा है, वो है सस्टेनेबिलिटी। आज जो परिस्थिति आजूबाजू बन चुकी है, आज इतना बड़ा संकट जो क्लाइमेट चेंज का बन चुका है, वो बहुत ही ज्यादा गहरा है, और उसके लिए कंपल्शन है ये सस्टेनेबिलिटी, और उसके लिए कंपल्शन है ये सस्टेनेबल फ्यूल, ये बायोफ्यूल, कंपल्शन है ये सस्टेनेबल खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम करना चाहते हैं, और दूसरा कंपल्सरी है ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट।
और दोस्तों इन तीन क्षेत्रों में जब हम काम करके दिखाएं, नहीं जब हमारे सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन तीन क्षेत्रों में बिजनेस करके दिखाएंगे, तो दोस्तों ये एकमेव ऐसी चीज है कि जो आज पूरी दुनिया चाहती है कि वो हो। तो इसीलिए आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा हम फंडिंग प्राप्त करने वाले, हमारा देश प्राप्त करने वाला है। ये आने वाले दिनों में अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी देश में होगी, जैसे पिछले एक दशक था जब चाइना में हुई थी, आने वाले दिनों में आने आने दशक ये भारत का होने वाला है। सबसे ज्यादा फंडिंग हमारे देश में होगी और ऐसे ही होगी जैसे हम करें। जब हम एक अच्छा स्केल पे एक डेमो करके दिखाएंगे तो बहुत बड़े स्केल में ये फंडिंग आने की शुरुआत होगी, और ये तब तक होगी जब तक हमारा पोटेंशियल, और हमारा पोटेंशियल क्या है, तो पूरी दुनिया के लिए 25 से 30% फ्यूल हम बनाने वाले, पूरी दुनिया के लिए 20% हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम बना सकते हैं और दे सकते हैं, और पूरी दुनिया के लिए ऑलमोस्ट 20% सस्टेनेबल प्रोडक्ट हम बना के और दुनिया को देंगे, और ये सब कुछ आएंगी चीजें खेतों से, हमारे लोग इसमें तैयार करेंगे, और ये प्रोसेस ऐसे रहेगा, ये तभी जाके रुकेगा जब हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर वन इकोनॉमी होगा, और फिर से हम अपने देश को उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर उसका आंसर है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो गुड मॉर्निंग सर, परिवार और एक वेबिनार और लेक्चर सुना, तो शाम सर ने बार जो आज यहाँ देख रहे हैं सॉल्यूशन के बात कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन है हमारे एमपीओ में।